नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ योगेश राज। सबसे पहले जो अपना एक पर्व आने वाला है दीपावली, उसके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में दे रहा हूँ आपको। और हमारी फिल्म दबंग सरकार है जो जल्द ही सिनेमा हॉल में आने वाली है, और हम लोग जो उसका रिलीजिंग टाइम रखे हैं वो छठ पूजा के शुभ अवसर पर रखे हैं। तो छठ पूजा में आप सब लोगों के नज़दीकी सिनेमा हॉल में पहुँचेगी आपकी प्यारी दबंग सरकार। वैसे अगर बात किया जाए तो जो हमारी फ़िल्म है उसमें जो आइटम सॉन्ग है वो भी थोड़ा अलग तरीके से है, और जब मैं उस आइटम सॉन्ग की बात करता था तो मुझे काजल जी ही नज़र आती थी उसमें, क्योंकि काजल जी ही वो जो सॉन्ग है उस पर जो डांस है या जो भी परफॉर्मेंस है वो काजल जी ही कर सकती है। स्टार्ट से ही काजल जी ही कर सकती है। और सबसे अच्छी बात है कि हमारी फ़िल्म के जो आइटम सॉन्ग है वो सिंगल हीरोइन बेस नहीं है कि कोई हीरोइन आई और वो परफॉर्म करी। हमारी जो आइटम सॉन्ग है उसमें खेसारी जी भी इन्वॉल्व हैं, तो वो जो आइटम सॉन्ग है वो हमारी स्टोरी का पार्ट है। सो काजल जी और खेसारी जी की जो जोड़ी है वो भी पब्लिक बहुत पसंद करती है। तो अगर हम डिमांड की बात करें तो काजल जी हमारी फिल्म में जो आइटम सॉन्ग हैं दो, जो परफॉर्मेंस है, जो स्पेशल अपीयरेंस है उनका, वो हमारी डिमांड थी। बट रिक्वेस्ट करी थी खेसारी जी से कि एक बार आप बात करें और पूरी कहानी और जो भी सिचुएशन है वो उनको बताएं, और काजल जी ने गाना सुना, कहानी सुनी और जो भी पैटर्न था वो सुना और उन्होंने हाँ कर दी। उसके लिए मैं काजल जी को बहुत धन्यवाद कहता हूँ। मुझे लगता ही नहीं कि काजल जी को और मुझे मिले हुए बहुत कम टाइम हो गया। 2 से 3 दिन का उनका परफॉर्मेंस रहा था, एक्टिंग शूट रहा, बट उस 2 से 3 दिन में उन्होंने जो सेट पे माहौल बनाया था, जो आपस में जो एक डायरेक्टर और एक्टर के बीच में जो रिलेशंस होते हैं, जो एक रिस्पेक्ट होती है, उस उन सब बातों के दरमियान मुझे नहीं लगता कि मैं उनसे मुझे हाँ वैसे तो मैं देखा जाए तो मैं 3 बार ही उनसे मिला हूँ। 3 दिन जब शूट था तो मैं मिला, तो उसके पहले नहीं मिला हूँ। बट मिलने के बाद कोई भी ये नहीं कह सकता कि हम लोग बहुत कम मिले हैं, उनका नेचर ही कुछ ऐसा है। बाकी अभिनेत्रियों को तो हमने अभी नहीं देखा है फिल्म में, मैंने काजल जी को देखा है परफॉर्म करते हुए देखा है। काजल जी की जो सबसे प्लस पॉइंट है, शी इज़ गुड परफॉर्मर, और जो भी सॉन्ग होते हैं उनको वो सेकेंडों में समझती हैं, और जो भी स्टेप्स होते हैं वो जो हमारे कोरियोग्राफर होते हैं उनसे, मास्टर जी से 10 मिनट वो रिहर्सल करती हैं और उसको परफॉर्म कर देती हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट लगा उनसे मिलने के बाद कि हाँ, शी इज़ गुड परफॉर्मर। हमारी फिल्म के जो कोरियोग्राफ हैं वो हमारे ही गुरु जी हैं, उन्होंने हमें इस इंडस्ट्री में जो अगर बेस पूछा जाए तो कानू मुखर्जी सर का, ये उन्होंने मुझे डांस सिखाया था, एक वर्कशॉप के थ्रू हमारा सिलेक्शन भी हुआ था। तो हमारी फिल्म के जो कोरियोग्राफर हैं वो हमारे ही गुरु मिस्टर कानू मुखर्जी हैं, और जो हमारी फिल्म के आइटम सॉन्ग हैं वो यूपी में शूट हुए हैं, उन्नाव जिले के पास में, और जो हमारा जो लोकेशन है उसका नाम है जीरेस्ट लॉन।